हेलो स्टूडेंट, पहले इसके पहले जो वीडियो हो गया उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला इक्वेशन जो वेलोसिटी टाइम का था, वो वेलोसिटी टाइम का जो इक्वेशन है उसको वेरीफाई किया था थ्रू द ग्राफिकल मेथड। अभी उसके बाद में जो सेकंड इक्वेशन कौन सा है, द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन द सेकंड इक्वेशन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये सेकंड इक्वेशन। इसको अपने को ग्राफिकल मेथड करो, हमें क्या करना है अभी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन का ये जो इक्वेशन है ये ग्राफिकल मेथड थ्रू अपने उसको वेरीफाई करने का, उसको कैलकुलेट करने का। तो कैलकुलेट करने के लिए पहला इक्वेशन अपना होगा वेलोसिटी टाइम का, सेकंड जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन का। तो अभी वही ग्राफ वही चीज यूज करने का, तो अभी वो ग्राफ ही क्या डिनोट करता है कि एक व्हीकल है या एक ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट ऐसा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, एंड एक्सेलरेशन क्या हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी पर इन टाइम। ये तो अपना पहले वीडियो में भी हुआ है कि वेलोसिटी में जो चेंज होता वो टाइम टी में होगा, यानी वो बॉडी क्या हो रही, एक्सेलरेट हो रही। तो एक्सेलरेट होने की वजह से उसने क्या किया, एक्सेलरेशन होना यानी क्या हो रहा कि उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है ना, एक्सेलरेशन हो रहा भी हो, एक्सेलरेशन होने में उसकी वेलोसिटी में चेंज होते जा रहा है, वो एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने में जा रहा है, मगर जाते समय जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही ना, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम टी में हो रही बराबर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक्सेलरेटेड मोशन में व्हीकल है, तो व्हीकल एक्सेलरेटेड मोशन में होने की वजह से क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वो डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम टी में हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम टी में हुआ। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपको वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई करने के लिए वो वेरीफाई कैसा होगा, तो उसके लिए जब इसका एरिया अपन फाइंड करेंगे, किसका, क्वाड्रेंगल का, कौन सा क्वाड्रेंगल, डीओईबी, ये क्वाड्रेंगल का एरिया अगर फाइंड किया हमने, तो एरिया फाइंड करने के बाद में क्या निकलेगा कि वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, क्वाड्रेंगल का एरिया अगर फाइंड किया डीओईबी, तो उस समय वो जो कैलकुलेट होगा वो एरिया क्या डिनोट करेगा कि वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम टी में हुआ। अभी क्वाड्रेंगल का एरिया कैसा फाइंड करेंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, डीओईबी रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल डीओईबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बीएडी। इसका एरिया अगर फाइंड कर रहे हैं, दोनों की एरिया के एडिशन अगर फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्वाड्रेंगल का एरिया निकलेगा। और एरिया जब कैलकुलेट करेंगे, वो एरिया की वैल्यू उसमें पुट करेंगे, तो उससे से अपना डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, और डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम टी में निकलेगा। अभी क्वाड्रेंगल कौन सा, डीओ यानी क्या हुआ, ये पहले इक्वेशन में हुआ अपना, डीओ यानी क्या हुआ उसका इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी। बाद में वेलोसिटी टाइम रिलेशन का ये इक्वेशन अपना वैसे था। बाद में ओसी क्या हुआ, ओसी यानी क्या कैलकुलेट किया था हमने, ओसी यानी क्या हुआ था अपना, ये फाइनल वेलोसिटी थी बराबर है। बाद में सी डी या तो डी सी यानी क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी वो पहले इक्वेशन में हमने कैलकुलेट किया था एटी बराबर है। अभी ये पैरेलल साइड है, तो कर दी इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, यानी सपोज बी एन है, ये पैरेलल किसको है, सी डी को, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, एटी बराबर है। ये ए ई या ई ए, ये किसको पैरेलल है, ओ डी को, यानी ओ डी की जो वैल्यू है उतनी वैल्यू का किस करेंगे, ए ई की, ओ डी कितना है, यू है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी क्या आएंगे, यू। अभी ये ओ ई, ओ ई यानी क्या हुआ टाइम, तो टाइम क्या है टी, ये क्या हुआ अपना टाइम टी। तो ओ ई किसको कहा जाता है, डी ए को, तो डी ए के लिए अभी ओ ई की जो वैल्यू है, ओ
वही क्या है आपका टी, तो डी ए भी क्या रहेगा आपका टी, कारण साइड इक्वल ही है। अभी ये जो है, अभी ये पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों की सम यानी क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, ये ट्रायंगल का एरिया। अभी देखो जरा, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये सब स्टार्टिंग में मैंने सब बता दिया आपको कि एक ऑब्जेक्ट है वो कैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। फिर वो टाइम टी के बाद में, टाइम टी के बाद में उसने क्या किया, टाइम टी के बाद में उसने ये क्या कवर किया, डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस उसने कवर किया, यानी डिस्टेंस क्या कवर किया उसने, यस यस से क्या हो गया उसका डिस्टेंस, उसका क्या हुआ, उसने वो क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, मगर वो जो डिस्टेंस कवर किया ये टाइम टी ने कवर किया। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया उसने टाइम टी ने, ये कैसा कैलकुलेट करेंगे, टाइम टी में उसने जो डिस्टेंस कवर किया ये कैसा कैलकुलेट करेंगे, जब वो क्वाड्रेंगल का एरिया निकालेंगे तब, तो क्वाड्रेंगल का जो एरिया, क्वाड्रेंगल कौन सा, डी ओ ई बी, ये स्टार्टिंग में सब बताया मैंने, तो क्वाड्रेंगल का एरिया यानी क्या हुआ, डी ओ ई बी मींस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा बताया मैंने, डी ओ ई बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी, या डी ए बी, बी ए बी बोलो या डी ए बी। अभी ये दोनों का एरिया, अभी एरिया रेक्टेंगल, अभी ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मींस क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अभी लेंथ, लेंथ क्या है इसकी, ए ई, ब्रेड्थ क्या हुई, ओ ई या ई ओ, बराबर है, ए ई बराबर है ना, एरिया ए, द लेंथ इज दैट ए ई एंड ब्रेड्थ इज ई ओ, ये होगा इसका एरिया, किसका, रेक्टेंगल का। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज द हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो फिर इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है उसकी, ए बी, क्या हुई उसकी, लेंथ क्या हुई, ए बी, और ब्रेड्थ क्या हुई उसकी, डी ए या ए डी। तो अभी इसकी वैल्यू, अभी इसके अंदर को कहने, अभी देखो, अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ओ ई बी, डी ओ ई बी क्या रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ए ई इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ ओ ई, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी डी ए बी, डी ए बी क्या है, हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हाफ क्या है, लेंथ ए बी इनटू ब्रेड्थ डी ए। अभी इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर लीजिए, क्या आएगा, अभी इसकी ए ई, ए ई क्या निकाला मैंने, ए ई A is the initial velocity u into OE, OE क्या है, time t plus half into AB, AB क्या है, अभी AB, AB is the changing velocity AT, ये दोनों को पहले दिए, पहले equation में हमने निकाला था AT into DA, DA क्या है, ये किसको पहले बोला, OE को, तो OE की वैल्यू, DE की वैल्यू करेंगे T। अभी इसको कैलकुलेट करो, सो S इक्वल टू UT, U इनटू T, UT प्लस हाफ AT इनटू T, इसका होगा AT का स्क्वायर, ये होगा अपना सेकंड इक्वेशन, ये होगा अपना सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन होगा। अभी थर्ड इक्वेशन देखने वाले हैं हम, कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन, कि वो काइनेटिक का रिलेशन बताता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये थर्ड इक्वेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये थर्ड इक्वेशन। अभी इसके पहले का जो इक्वेशन देखा हमने, पहला इक्वेशन कौन सा देखा, कि जो एक्सेलरेटेड मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो अगर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस फाइंड करता टाइम टी में, डिस्टेंस जो फाइंड करता टाइम टी में, वो कैसा फाइंड किया, डिस्टेंस
कि एरिया कौन सा क्वाड्रेंगल का एरिया है, कौन सा क्वाड्रेंगल बी डी ओ ई बी। अभी हमको क्या फाइंड करने का है कि जो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई, और डिस्प्लेसमेंट हुई उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी। डिस्प्लेसमेंट हुई तो उस समय जो वेलोसिटी थी उसकी, वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों में का रिलेशन फाइंड करने का है। तो रिलेशन कैसा वो फाइंड करने के लिए ये थर्ड इक्वेशन। अभी वो उसको कैसा फाइंड करेंगे, पहले इसमें तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था हमने, अभी क्या फाइंड करेंगे आप लोगों, अभी वो वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए कैसा निकलेंगे कि पहले अभी ओ डी ओ ई बी ऐसा क्या हुआ ट्रेपेज़ियम, पहले वो जो था कि पहले क्वाड्रेंगल का एरिया निकाला, अभी अपने को एरिया का क्या निकालना है तो ट्रेपेज़ियम का, पहले ट्रेपेज़ियम का एरिया का निकालेंगे हम। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये दोनों का रिलेशन उसमें निकलेगा, ये ट्रेपेज़ियम कौन सा डी ओ ई बी। अभी एरिया ट्रेपेज़ियम का एरिया कैसा फाइंड करते हैं, एरिया कैसा फाइंड करते हैं, ये ज्योमेट्री में आपका हुआ है द हाफ ऑफ द लेंथ पैरेलल टू पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड की जो लेंथ है उससे हाफ इनटू इनटू डिस्टेंस बिटवीन द अदर पैरेलल साइड्स। अभी तो अभी तो एरिया ट्रेपेज़ियम वो कैसा फाइंड करेंगे, ट्रेपेज़ियम का एरिया फाइंड करने के लिए द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। अभी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, अभी पैरेलल साइड कौन सी हो गई उसमें, ये ओडी ओडी और बी ये दोनों की हाफ, इनकी लेंथ की हाफ की सम। अभी देखो ये हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल टू पैरेलल साइड, अभी ये हाफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, अभी पैरेलल साइड कौन सी ओडी, इसमें कौन सी ओडी प्लस बीई, ये बीई ओडी प्लस बीई ये दो पैरेलल साइड की लेंथ की सम उसकी हाफ इनटू इनटू क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, द पैरेलल साइड में जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ अपनी ओई, ये ओई। अभी हाफ ऑफ बताता ओडी, ओडी यानी क्या हुआ, अभी पहले इक्वेशन में हमने लिखा है ओडी मींस यू इनिशियल वेलोसिटी यू प्लस बीई, बीई यानी क्या हुआ, बी यानी क्या हुआ अपना फाइनल तक फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ फाइनल वेलोसिटी, ओसी क्या था अपना फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों क्या हुआ एक दूसरे को पैरेलल है, इसकी भी लेंथ आएगी बीई की इज अ बी ये होगी इनटू इनटू इस ब्रैकेट में लिखा इनटू ओई, ओई यानी क्या है ओई इज टी, ओई की लेंथ है क्या बताओ टी, ठीक है पी ए टी। अभी टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहला इक्वेशन अपना पहला इक्वेशन है कौन सा एक्सेलरेशन का, भाई एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, तो ए इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस यू अपॉन टी। तो इससे क्या निकालेंगे हम, टी की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या है इससे यहाँ पे t is equal to क्या है, t is equal to v minus u upon a, v minus u upon v minus u upon a, ये आ गए अपनी t की वैल्यू। अभी ये t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करने वाले हैं, अभी ये क्या है ना half into u plus v into v minus u upon a, v minus u upon a, यहाँ पे आ गया अपनी t की वैल्यू, ये t की वैल्यू यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अभी इसके आगे अभी ये क्या है अपना एरिया, s equal to s equal to half of u plus v into v minus u upon a। अभी ये a ये अभी ये सब मल्टीप्लिकेशन में है तो करके a इधर आ जाएगा, बराबर है, तभी इसको कैसा लेंगे या 2b इधर आ जाएगा। अभी s ये अपना ये इक्वेशन में डबल इधर लिखता हूं हां, s इक्वल टू हाफ ऑफ u प्लस v, u
प्लस वी को कैसे लेता मैं, या तो वी प्लस यू, और अभी एडिशन में हम जैसे हो इधर की उधर वैल्यू भी चेंज हो गई, तो मैंने वी प्लस यू इंटू वी माइनस ए, वी माइनस यू अपॉन ए। अभी इसको क्या करता मैं, अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब मल्टीप्लिकेशन में तो करती है सबकी सब वैल्यू ए इधर के जाता, तो अभी क्या आ जाएगा ट्वाइस ये टू ये ए और ये यस इक्वल टू क्या है वी प्लस यू और वी माइनस यू। वी प्लस यू एंड वी माइनस यू ये किसके फैक्टर है, इसके फैक्टर ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी प्लस यू एंड वी माइनस यू किसके फैक्टर है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। तो अभी क्या है, अभी इसको इधर लेके गया क्या मैं वी स्क्वायर निकाल देगा, वी स्क्वायर इक्वल टू अभी ये माइनस यू स्क्वायर को किधर ले जाए तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर, अभी इसके आगे का अपन से आएगा प्लस ट्वाइस ए यस यहां अपना थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से ये थर्ड इक्वेशन का। तो इसके से हमने तीन इक्वेशन निकाले, पहला इक्वेशन कौन सा था अपना, पहला इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसमें पहला इक्वेशन v equal to u plus at। दूसरा इक्वेशन कौन सा निकला, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन डिनोट करता है s equal to ut plus half of at square। अभी तीसरा इक्वेशन कौन सा निकला, अभी हमने जो निकाला कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन बोलो। अभी ये थर्ड इक्वेशन जो निकाला हमने कौन सा v square equal to u square plus 2as, ये तीन इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन अच्छी तरह से करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू।